शहर की बदनाम बस्ती गंगा जमुना में मध्य प्रदेश और राजस्थान के 14 युवती से नागपुर के गंगा जमुना बस्ती में पैसे का लालच देकर धड़ल्ले से देह व्यापार किया जा रहा था, जिसके भनक लगते ही सामाजिक सुरक्षा विभाग और छापामार कार्रवाई की गई। अदालत के निर्देश पर युवतियों को करुणा महिला सुधार गृह भेज दिया गया है। शहर की बदनाम बस्ती गंगा जमुना में मध्य प्रदेश और राजस्थान से लाकर युवतियों को देह व्यापार के धंधे में धकेला जा रहा है। इसका खुलासा सामाजिक सुरक्षा विभाग की छापेमारी में हुआ है। ज्यादा रुपए कमाने का लालच देकर युवतियों को यहां लाया जा रहा है। 20 अक्टूबर को हुई कार्रवाई में 14 युवतियों को मुक्त कराया गया है। महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ लकड़गंज थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। बुधवार को अदालत के निर्देश पर युवतियों को करुणा महिला सुधार गृह भेज दिया गया। दिनांक 20 अक्टूबर रोजी सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखा नागपूर आमच्याकडून नागपूर मधील गंगा जमुना या भागामध्ये कारवाई करण्यात आली। तेथील एकूण राजस्थान आणि मध्य प्रदेश अशा राज्यातून आलेल्या 14 मुलींची सुटका आम्ही केलेली आहे। याच्यात एकूण 3 आरोपी आपण निष्पन्न केलेले आहेत। त्यापैकी 1 आरोपीला अटक झाली। आरोपीचं नाव आहे बाबू निजू धनावत, वय 50। हा तिथं या परराज्यातून मुली आणून त्यांच्याकडून जबरदस्तीने पैशाचा आमिष दाखवून देहव्यापार करून घेत होता। आपण बोगस ग्राहक पाठवून तिथं व्हेरीफाय करून आपण या मुलींना ताब्यात घेतलेलं आहे, तसंच आरोपीला ताब्यात घेतलेलं आहे। तिथला परिसर जो आहे त्या परिसरात ज्या ठिकाणी हा देहव्यापार चालू होता त्या इमारतींचे मालक जे आहेत त्यांनाही तेही यामध्ये आरोपी आहेत। त्यांचा शोध अजून सुरू आहे। गुन्ह्याचा पुढचा तपास लकडगंज पोलीस स्टेशनकडे आहे। गुन्ह्याचा लकडगंज पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर नंबर 654/220 भादवी कलम 370 सह अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा कलम 3, 4, 5, 7 अन्वये ही कारवाई करण्यात आलेली आहे। गंगा जमुना में मध्य प्रदेश और राजस्थान से लाई गई युवतियों को बंधक बनाकर रखने और उनसे देह व्यापार कराए जाने की सूचना अपराध शाखा के सामाजिक सुरक्षा विभाग को मिली थी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश पर सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम ने गैर सरकारी संगठन फ्रीडम फाउंडेशन की मदद से 20 अक्टूबर को छापा मारा। यहाँ से 14 युवतियों को पकड़ा गया। ये सभी मध्य प्रदेश और राजस्थान की रहने वाली है। दिन भर चली इस कार्रवाई के दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। इस बीच दलाल बाबू निजू धनवत और देह व्यापार के लिए किराए से कमरे उपलब्ध कराने वाले सचिन उचिया और विमलाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। रेड लाइट एरिया से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज नागपुर।